हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। ये हमारी सीरीज चल रही है ऑफ सक्सेस स्टोरीज विद दीज एस्पिरेंट्स, जिन्होंने बहुत मेहनत करके ये एग्जामिनेशंस क्लियर करे हैं। जो लॉ एंट्रेंसेस की हम बात करते हैं उनके बारे में, आज हमारे पास ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका नाम है शाश्वत खुराना, जिनका स्कोर DULLB में 2316 रहा है एंड रैंक 39 रही है। एंड नॉट जस्ट DULLB, द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि इन्होंने और बहुत सारे एग्जामिनेशंस में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे BHU में इनके 290 मार्क्स रहे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में इनकी 13 रैंक रही है, एंड ऑल्सो MHSET एग्जामिनेशन में इनका एडमिशन ऑलमोस्ट ILS, ही मेड इट टू ILS पुणे। ऑब्वियसली द चॉइस ही मेक्स दैट इज डिफरेंट, बट येस ही क्लियर्ड ऑल दीज एग्जामिनेशन विद सच गुड मार्क्स। सो आज बात करते हैं शाश्वत खुराना से। लेट्स वेलकम शाश्वत हियर अमंगस्ट अस एंड लेट्स गेट टू नो हिज स्ट्रैटेजी, हाउ डिड ही प्रिपेयर। उनसे सुनते हैं उनकी क्या जर्नी रही है अबाउट दिस एग्जामिनेशन। हाई शाश्वत, वेलकम टू द चैनल, एंड लेट अस अंडरस्टैंड फ्रॉम यू कि सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, सो दैट वी नो वेर यू आर कमिंग फ्रॉम। यस हेलो मैम, थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक। माय यस नेम इज शाश्वत एंड आई बिलोंग फ्रॉम सिरसा, हरियाणा, एंड आई हैव कंप्लीटेड माय स्कूलिंग्स फ्रॉम सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिरसा इटसेल्फ। एंड मेरी ग्रेजुएशन DAV कॉलेज सेक्टर 10 चंडीगढ़ से हुई है। एंड करेंटली आई एम परसुइंग माई बैचलर ऑफ लॉज फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 चंडीगढ़। अच्छा, तो बिकॉज आपका PU में वी सॉ कि आपका 16 रैंक है, तो वहीं से आप अभी अपना थर्टीन रैंक 13th रैंक, सॉरी, सो यू आर यस परस्यूइंग योर LLB फ्रॉम देयर। तो यस मैम, आपको वहां पे कैसा, मतलब अच्छा लग रहा है वहां पढ़ाई करके? बहुत अच्छा। नहीं मैम, और बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन भी चंडीगढ़ से है, तो एक होम लाइक एनवायरनमेंट फील हो रहा है। ऑल राइट, इसीलिए तो मैंने ये फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी ग्रेजुएशन कंटिन्यू रखूंगा। ओके ओके। तो यस शाश्वत, मैम, लाइक व्हेन डिड यू डिसाइड, हाउ डिड यू डिसाइड कि आपको लॉ करना है? मैम स्कूल टाइम से ही जैसे कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट था 9th-10th क्लास में, तो मुझे वो पढ़ना अच्छा लगता था। तो इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिक्स में मेरा इंटरेस्ट था शुरू से ही। तो ड्यूरिंग द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मेरे कुछ फ्रेंड्स रैंडमली डिस्कस कर रहे थे इसी लीगल टॉपिक्स के बारे में कि शायद टॉपिक था अभी थेफ्ट और एक्सटॉर्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह से मैंने उनसे पूछा कि आपको इस चीज के बारे में कैसे नॉलेज है। तो उन्होंने बताया कि हम इस तरह से लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं और हम उसकी प्रेपरेशन कर रहे हैं। तो मेरे को ये सुन के अच्छा लगा और उनसे मैंने सारा प्रोसेस पूछा भी, ये टॉपिक्स आते हैं, इस तरह से तैयारी होती है। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ अप्रैल और मई मैंने इसकी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपने लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स की। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आता गया मुझे गाइडेंस मिलती गई, कुछ आपके वीडियो से, कुछ मेरे फ्रेंड्स ने गाइड कर दिया, कुछ टेलीग्राम के पे ग्रुप्स वगैरह थे। तो उस तरह से मैंने, वैसे स्पेसिफिकली कोई कोचिंग नहीं ली है, मॉक सीरीज ली थी दो मैम, एक आपकी थी एक किसी और की थी, तो वहां से मैंने अपनी प्रेपरेशन करी है। ओके ओके। हाँ, कुछ यस स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस से वो बैकवर्ड अप्रोच करते हैं और क्वेश्चन से प्रिपेयर करके तैयारी करते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि सेक्शन वाइज, लाइक आपने कैसे प्रिपरेशन की, व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर द एग्जामिनेशन, एंड हाउ डिड यू लाइक रीच टू द स्कोर? ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है मैम लीगल का, क्योंकि ओवरवेलमिंग पोर्शन ऑफ एग्जाम आपका लीगल कवर करता है। अगर आपका लीगल स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम क्रैक कर सकते हो आसानी से। तो लीगल में मैम कॉन्स्टिट्यूशन एक मेजर चंक कवर करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सबसे पहले तो मैम बेसिक एक सेल्फ गाइड ग्रुप बुक थी यूनिवर्सल की, उसको मैंने कवर किया अच्छे से। ठीक है मैम, पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ा उसको, अच्छे से कवर किया। कुछ आपकी यूट्यूब वीडियोस थी, कुछ और चैनल से, उससे लेके मैंने सारा सोर्स अपने सेल्फ नोट्स बनाए मैम। उन्हीं नोट्स को मैं बारी बारी रिवाइज करता रहता था और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करता था अलग अलग मटेरियल से। जैसे मैं मॉक्स में भी कोई भी क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था, उन्हीं नोट्स में नोट कर लेता था मैं। इस तरह से मैंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कवर किया। बाकी जो ये थे कॉन्ट्रैक्ट, टोर्ट्स, IPC, IPR, इनके लिए मैंने IPC के लिए बेरेक्ट थोड़ा बहुत स्टडी किया। और बाकी वैसे मैंने नोट्स थे मेरे पास, कुछ मेरे फ्रेंड्स कोचिंग वगैरह जाते थे तो उन्होंने मेरे को नोट्स प्रोवाइड कर दिए थे। इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन की। बात करें इंग्लिश और रीजनिंग की, तो मैंने 12th के बाद एक 5-ईयर इंटीग्रेटेड पेपर होता है इसका, IPM, IIM इंदौर और IIM रोहतक कंडक्ट कराता है। तो उसमें मेरी मैथ और रीजनिंग वैसे ठीक थी,
तो मेनली मैंने मॉक से ही वो कवर किया, जो जो क्वेश्चन नहीं आते थे वो मैं दोबारा सॉल्व करके देख लेता था, तो मुझे इंग्लिश और रीजनिंग में इतनी दिक्कत नहीं है। और ये और करंट अफेयर्स वगैरह, लीगल करंट करंट अफेयर्स। लीगल करंट अफेयर्स के लिए मैंने मैम आपकी सीरीज ली थी, वहां से रेगुलरली स्टडी करता था, आपकी जो यूट्यूब वीडियोस थी उसको मैम मैं रेगुलरली वॉच करता था, इस तरह से कवर किए मैम। और एक मंथली मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो मंथली मैगजीन ज्ञानम नाम से है मैगजीन, तो मैं वो मंथली मैम उसको स्टडी करता था और उसको उसी को रिवाइज करता था बारी बारी। तो एज यू हाँ सेड जी कि आप क्योंकि प्रिपेयर कर रहे थे आईआईएम वगैरह के लिए एंड वो जो 5 ईयर हाँ जी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के लिए, तो शायद वहां से क्योंकि आपने इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग अच्छे से वहां पर किया ही होगा, सो यू आर एबल टू टैकल इट, बिकॉज लॉ एंट्रेंस में इतना टफ इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग नहीं आता है। एंड वी कैन सी यस क्योंकि आपके स्कोर्स और जो एग्जामिनेशंस हैं उसमें भी काफी अच्छे रहे हैं, जहाँ पे इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग के सर्टेन स्पेसिफिक पोर्शंस आते हैं, सो आई थिंक दैट हेल्प यू देयर यस एज यस वेल। एंड डीयू की भी बात करें, अब सुएट पीजी पैटर्न अब कंडक्ट होने वाला है, ऑल्दो दे आर स्टिल डिसाइडिंग अबाउट द सिलेबस एंड इट इज वी आर होपिंग कि थोड़ा अब सेक्शनल क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि अभी तक डीयू का जो एग्जामिनेशन है बहुत ज्यादा हैपेजर्ड रहा है, पैटर्न कुछ पता नहीं चलता है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। सो आई गेस ये 5 सेक्शंस तो बहुत जरूरी हैं कि हम लीगल एप्टीट्यूड, करंट अफेयर्स, जीके, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सब अपना अच्छे से कवर करके चले फॉर द एग्जामिनेशन। शाश्वत, आपका जैसे मॉक्स के बारे में आप बात कर रहे थे कि मॉक्स से ही मेनली आपने तैयारी की है, तो किस यस तरह से मैम। आपने मॉक्स से तैयारी की, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे एंड मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। एक्चुअली मैम मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली, मेनली मैंने ओवरऑल मेरी प्रेपरेशन मॉक्स के थ्रू हुई है। जो भी क्वेश्चन आते थे, एक तो मैम मॉक्स का ये फायदा होता है भी, टाइम बाउंड एग्जाम्स के हिसाब से स्टडी हो जाती है। कोई भी आप मॉक देते हो तो उसमें आपको पता लगता है भी ये इस पोर्शन में मेरी स्ट्रेंथ है, इसमें वीकनेस है मेरी मैम, तो स्ट्रेंथ पे और काम करना है और वीकनेस को हटाना है हमने, ठीक है। तो मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी टॉपिक ले लिया अपने, उसमें उसके क्वेश्चंस बारी बारी मेरे को नहीं आ रहे, तो मैं वहां से जाके वो टॉपिक रिवाइज कर लेता था दोबारा, उसको नोट कर लेता था। उसी मॉक्स को जो मैंने मॉक दिया, मान लो मेरा ये रैंक आ रहा है, तो मैं ये सोचता था इस रैंक को कैसे मैं आगे इम्प्रूव करूँ, ठीक है। और बाकी मैं मॉक्स को एनालाइज अच्छे से करता था, जो भी मैंने मॉक दिया है, जितना मान लो 2 घंटे का मॉक है तो उसको मैं 2 घंटे एनालाइज करता था, तो इसके कारण। और मॉक्स मैं सोल्व करता था एलिमिनेशन मेथड की मदद से, जय मतलब 2 ऑप्शन बिल्कुल आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 2 ऑप्शन तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं बहुत आराम से एलिमिनेट कर सकता हूँ। 2 में फाइट होती है, अगर आप सिर्फ ऑप्शन अच्छे से पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली उसको आंसर लिख करेक्टली आंसर कर सकते हो, अच्छा, मेरी ये स्ट्रेटेजी ऑल्सो थी। हाँ, ऑल्सो जैसे आप मॉक्स देते थे स्टार्टिंग में, जैसे आपने बोला कि आपने हमारे मॉक्स दिए, तो जब स्टार्टिंग में आपने मॉक्स देना शुरू किए, मॉक 1 दिया होगा, 2 दिया होगा, तो उसमें आपका स्कोर कैसा था एंड उसके बारे में बताएंगे। और मैम बहुत वेरी करता था मैम, कभी कभी तो ऐसा रहता था 200 भी नहीं अचीव, 190 180 ऐसा स्कोर भी रहा है, कभी कभी 300 प्लस भी हो जाता था। तो मॉक्स का स्कोर मैम बहुत वेरी करता था, ये होता है भी आपने कंसिस्टेंट रहना है, कभी भी आपने आपने गिव अप नहीं करना भी मेरे मॉक में स्कोर नहीं आ रहा। एंड एट द एंड भी मान लो आपके 180 आए, तो आपके कम से कम 45 क्वेश्चन तो सही हुए हैं, तभी आपके 180 स्कोर आया है। तो बाकी जो क्वेश्चन है, जो 55 क्वेश्चन रहते हैं, आप उनको एनालाइज करो, उन 55 क्वेश्चन को अपने को पक्का करो। इसी तरह से यही स्ट्रेटेजी रहती थी, मैं जो सही किए हैं उनको भी रिवाइज करता था, जो गलत हुए हैं या जो नहीं आए हैं उनको भी अच्छे से देखता था भी यहाँ पे मेरी कमी रह रही है। ओके ओके ग्रेट, तो इस ठीक है। तरह से मैंने तो अपना स्कोर इम्प्रूव किया। ओवरऑल लाइक जितनी आपने प्रेपरेशन करी सारी एग्जामिनेशंस की, सब कुछ मिला के आपको आई थिंक 7-8 मंथ्स आपने लगाए हैं इस एग्जामिनेशन पे, तो पूरी अंडरस्टैंडिंग से लाइक व्हाट डिड यू यू नो कम आउट विद दिस कंक्लूजन, आपका वो कंक्लूजन क्या रहेगा फ्रॉम योर प्रेपरेशन, जो आप एडवाइस स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे कि उनको भी क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। आई फील मैम कंसिस्टेंसी इज द की, कि आपका इतनी लंबी जर्नी है 7-8 महीने की है, बीच में अप्स आएंगे डाउन्स आएंगे, आपका कभी कभी मोराल बूस्ट होगा कि मेरा बहुत अच्छी प्रेपरेशन है, कई बार ऐसा लगेगा कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मान लो एंड के 1-2 महीने में डीयू तो अपनी डेट एक्सटेंड करता ही जा रहा था बारी बारी, तो ऐसा लग रहा था अभी अब तो क्या ही कर गया रहने को। तो आपने कंसिस्टेंट रहना है, थोड़ा पढ़ो पर रेगुलर पढ़ो, अगर आप एक दिन का गैप डाल देते हो तो आप बहुत पीछे चले जाते हो, तो आपने कोई भी बीच में गैप नहीं डालना, राइट डायरेक्शन में
मान लो आपने बहुत अच्छा गाइड किया था मेरे को यूट्यूब की वीडियोस, आपसे रेगुलर टच में था भी मैं इस तरह तैयारी करूँ, ठीक है, आपसे इंस्टाग्राम पे भी बात होती रहती थी, तो इस तरह से मैम बहुत सारे लोगों ने हेल्प किया मुझे अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में, पर आपने अपने आपको कभी गिव अप नहीं करना, आपने फुली मोटिवेटेड रहना है और डिटरमिंड रहना है, अगर आप कंसिस्टेंट एफर्ट इन राइट डायरेक्शन दोगे तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम दुनिया का क्रैक कर सकते हो। ऑल यस राइट, सर, सो थैंक यू सो मच आशद फॉर बीइंग विद अस. जैसे कि आप लोग ने देखा इनकी जर्नी से, जो इनकी बातों से हमें समझ में आया है कि कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है. शाश्वत ने मॉक्स के थ्रू प्रिपेयर किया एंड उन्होंने पहले ही अपने सोर्सेस फिगर आउट करके रख लिए, वहीं से उनकी तैयारी चलती रही, स्ट्रीमलाइन किया प्रोसेस को, मॉक्स को इम्पोर्टेंस देके उनको एनालाइज किया. जैसा कि मैं आपको वीडियोस में भी बताती हूँ कि मॉक्स को एनालाइज करना बहुत जरूरी है एंड इट इज वेरी अप्रिशिएबल कि उन्होंने इतना टाइम मॉक्स को दिया टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे वो क्वेश्चंस गलत कर रहे हैं एंड एट द सेम टाइम आपको वो नोट्स में भी करेक्शन करना है. जैसा वो बता रहे थे कि ये क्वेश्चन गलत हुआ है तो मैंने वो नोट्स में भी करेक्शन किया है. साथ में इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग उनका थोड़ा स्ट्रांग था विच ऑब्वियसली वर्क इन हिज फेवर. जिन स्टूडेंट्स हु लैक एट दीज एरियाज दे नीड टू परफॉर्म देयर एज वेल. आपको थोड़ा सा वहां पर भी हार्ड वर्क करने की जरूरत है इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग एरियाज को टैकल करने के लिए. बाकी ऐसी ये जो वीडियोस हम आपके लिए लेते आ रहे हैं, सक्सेस स्टोरीज फ्रॉम द एस्पिरेंट्स देमसेल्व्स, आई होप दे आर हेल्पिंग यू आउट. थैंक्स अ लॉट शाश्वत फॉर कमिंग हियर, थैंक यू स्पेंडिंग मैम, टाइम ऑन आवर चैनल एंड लेटिंग पीपल नो कि आपने किस तरह से कैसे प्रेपरेशन करी. एंड आई एम होपिंग कि आपकी जो ये जो टिप्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प द एस्पिरेंट्स इन फ्यूचर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, ओके।